नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है विमानसा ऑनलाइन एकेडमी के मंच पर। एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही शानदार वीडियो। हमारा समाज का पहला पार्ट था जिसमें हमने पूरा डिस्क्राइब किया था, अब हम आपको लेकर आए हैं समाज के उदाहरणों की दुनिया में। बहुत ही शानदार तरीके से हम आपको उदाहरणों के माध्यम से समाज वापस कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं समाज के उदाहरण। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं यथाशक्ति। ठीक है, जैसा कि हमने वीडियो में बताया था, तो दोस्तों उदाहरण देखने से पहले आप हमारा जो वो वीडियो है वो भी आप जरूर देखें। जैसा कि हमने बताया था कि यथाशक्ति अनुसार, शक्ति के अनुसार, अनुसार आने पर कौन सा समास होता है? अव्ययीभाव समास होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नियम में साथ साथ में बताऊंगा आपको, उन नियमों को वापस से रिकॉल भी करना है। ठीक है, तो क्या बनेगा? शक्ति के अनुसार, यानी कि अनुसार आने पर कौन सा समास होता है? अव्ययीभाव समास होता है। और यथा क्या है? एक उपसर्ग भी है, तो उपसर्ग जहां पर आ जाए वहां पे कौन सा होता है? अव्ययीभाव समास होता है। उसके बाद दोस्तों पर बात करते हैं हाथों हाथ। हाथों हाथ यानी क्या होता है? दो शब्द जहां पर एक साथ आ जाते हैं एक जैसे, वहां पर भी अव्ययीभाव समास होता है, ये भी आप ध्यान रखना। तो हाथ ही हाथ में, जैसे कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूं तो मैं हाथ ही हाथ में कर रहा हूं, इस हाथ में वो मुझे दे रहा है और इस हाथ में मैं उसको ले रहा हूं, तो हाथों हाथ यानी कि यह काम हाथों हाथ हो गया। हाथों हाथ मतलब अव्ययीभाव समास। तो यहाँ पर एक और नियम निकलता है कि दो एक जैसे शब्द जहां पर आते हैं वहां पर अव्ययीभाव समास होता है। तो अव्ययीभाव समास के तीन मैंने बता दिए, अनुसार आ जावे अव्ययीभाव, उपसर्ग आ जावे अव्ययीभाव, और क्या दो शब्द एक जैसे आ जाए वहां पर अव्ययीभाव समास होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, सब मिक्स उदाहरण है तो हम सबका बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं विधानसभा। विधानसभा सबसे पहले बात करते हैं सभा, इसमें क्या है? दूसरा पद प्रधान है। तो ये जो सभा है ये किसके लिए है? विधान के लिए है, तो कानून के लिए। के लिए आता है तो कौन सा होता है? संप्रदान। तो ये कोई किसका उदाहरण होगा? संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। विधान के लिए सभा, हमने वीडियो में बताया था रसोई घर, तो रसोई के लिए घर, मतलब घर तो है पर वो स्पेशल किसके लिए बना हुआ है? रसोई के लिए। तो इसी प्रकार से सभा तो है पर ये स्पेशल किसके लिए बनी हुई है? कानून के लिए, विधान के लिए। ठीक है, तो स्पेशल चीज है इसलिए क्या बनेगा? के लिए संप्रदान। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं कुवेश। कुवेश यानी क्या होता है? कुए यानी क्या होता है? बुरा, बुरा वेश है जो, या तो ये बात करें अगर तो यहाँ पे वेश की विशेषता बता रहा है कि वो कु है यानी बुरा है, तो विशेषता बताने पर कर्म धारा है। और अगर मान लो ऑप्शन में वहां पे ये प्रायोरिटी नहीं है, कर्म धारा है नहीं है, तो आंसर क्या होगा? अव्ययीभाव। क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि उपसर्ग बता रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। समास हमेशा ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं, कोई फिक्स ठप्पा नहीं है कि इसका आंसर यही होगा। जो ऑप्शन में दे रखा है उसको हमें ध्यान से पढ़ना है और फिर उसके अकॉर्डिंग आंसर निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं चतुर्वेदी। चतुर्वेदी कौन होते हैं? जिनको चार वेद आते हों, चार वेदों का ज्ञाता। तो चार वेदों का ज्ञाता, चतुर चार आ रहे हैं इसलिए कौन सा समास होगा? द्विगु समास। एक से नौ तक की काउंटिंग किसमें आएगी? द्विगु में आएगी, यह आपको ध्यान रखना है। तो ये कौन सा समास होगा? द्विगु। ठीक है, पर अगर वो काउंटिंग ज्यादा जाती है, आगे जाती है, तो फिर वो द्वंद में चला जाएगा, जैसे हमारा उदाहरण है 44। तो चार और 40 का समूह, चार और 40 का समूह, तो ये बन जाएगा और आता है इसलिए क्या बनेगा? ये इतरेतर, इतरेतर द्वंद समास, ध्यान रखना दोस्तों। 44 नौ तक तो चलेगा द्विगु में, उसके बाद समान जो संख्या है 20, 30, 40 ये वापस द्विगु में चलेगी, पर जो बीच की जो संख्या आ जाएगी वो सब द्वंद्व में जाएगी और इसमें हम छोटी संख्या पहले लिखेंगे। 44 में चार और 40 का समूह। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। समास कौन सा होगा? द्वंद समास होगा, ध्यान रखिएगा। इतरेतर, इतरेतर में क्या आता है? और आता है। ठीक है, दोनों की इंपोर्टेंस होती है वो इतरेतर है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रत्यक्ष, प्रति उपसर्ग। ठीक है, आंखों के सामने, प्रति यानी सामने, तो अव्ययीभाव समास। धन रहित, किससे रहित हो गया? वो धन से रहित, अलग हो गया धन, तो अपादान तत्पुरुष समास। परीक्षा भवन, वापस देखिए दोस्तों, भवन तो है पर वो किसके लिए बना हुआ है? परीक्षा के लिए, तो परीक्षा के लिए भवन, संप्रदान तत्पुरुष।
और अगर ऑप्शन में संप्रदान नहीं है तो बनेगा संबंध, परीक्षा का भवन। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर चलेगा। देह लता, लता तो है, जो देह जो है वो लता के समान बता रखा है, मतलब आरोप लगा रखा है। तो आरोप लगाने पर हमने बताया था कि कर्मधारय समास आएगा और उसमें क्या लगाएंगे, रूपी। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। तो उपमान पहले आएगा, ठीक है, और लता रूपी देह, और देह के बारे में बात करें वो बाद में आएगा। तो दोस्तों मुझसे जो है वो अनअकैडमी पर भी आप पढ़ सकते हैं, वहां पर भी शानदार वीडियोस आपके लिए ही है। ठीक है, अनअकैडमी पर भी मुझे फॉलो करें। नेक्स्ट पुत्र रत्न, अगेन सेम बात आ रही है यहाँ पे उपमान उपमेय की। तो पुत्र रूपी रत्न, ठीक है, रत्न रूपी पुत्र, सॉरी रत्न रूपी पुत्र, पुत्र की बात करें वो बाद में आएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। पशु पक्षी, तो दोनों की इंपोर्टेंस है, पशु और पक्षी, इतरेतर द्वंद समास, जहां पर दोनों की इंपोर्टेंस आती है वहां पर इतरेतर द्वंद समास होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अनुचिंतन, अनु यानी क्या होता है, पीछे, तो चिंतन के पीछे चिंतन, अनुचिंतन, अनु क्या है, उपसर्ग है, उपसर्ग इज इक्वल टू अव्ययीभाव समास। ख्याति प्राप्त, किसको प्राप्त, ख्याति को प्राप्त, कर्म तत्पुरुष समास, किसको यानी कर्म। राजमाता, राजा की माता, किसकी माता, राजा की माता, तो यहाँ पे क्या आएगा, की आएगा, की आने पर क्या होता है, संबंध तत्पुरुष समास। कैसे इसको डिस्क्राइब करेंगे, माता किसकी है, राजा की है, राजा की क्या है, राजा की कौन है, माता है। ठीक है, माता किसकी है, राजा की है, और माता जो है वो है किसकी, राजा की, और राजा की क्या है, माता। तो दोनों का एक घनिष्ठ संबंध है, इसलिए संबंध तत्पुरुष समास है। दोपहर, वापस दो पहरों का समूह, दो आ रहे हैं, एक समूह के बीच में है, द्विगु समास। नमक मिर्च, समूह बताना है, नमक मिर्च आदि, नमक मिर्च आदि, समाहार द्वंद, जहां पर समूह की बात करते हैं वो समाहार द्वंद है। खाने में नमक मिर्च की कमी है, इसका मतलब केवल नमक मिर्च नहीं, बहुत सारे मसालों की कमी हो सकती है, तो यहाँ पर नमक मिर्च जो है वो समूह का बोध करा रहा है। तो समूह का जो बोध कराता है वहां पर क्या होता है, समाहार द्वंद होता है, तो ये समाहार द्वंद हो गया। बेटा बेटी, बेटा और बेटी दोनों की इंपोर्टेंस है, बेटा भी उतना इंपोर्टेंस है, बेटी भी है, तो ये इतरेतर द्वंद आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कपड़े लत्ते, कपड़े लत्ते, वापस क्या हो गया, ग्रुप आ गया, मतलब कि इसके कपड़े लत्ते इकट्ठे कर दो, इसका मतलब कपड़ों के साथ में और भी चीजें हैं वो सब आ गई, तो ग्रुप आने पर समाहार द्वंद, ग्रुप आने पर समाहार द्वंद, और आदि लगेगा, क्या लगेगा, आदि, क्योंकि और भी चीजें हो सकती है। उछल कूद, वापस वही है, उछल कूद आदि, तो समाहार द्वंद, कि वो बहुत उछल कूद करता है, इसका मतलब या वो केवल उछलता ही नहीं है, वो भागता भी है, दौड़ता भी है, मस्ती भी करता है, सब ग्रुप आ गया, तो ग्रुप आने पर समाहार द्वंद। धन दौलत, वापस क्या आ गया, ग्रुप आ गया, धन दौलत में सब आ गई, तो वापस क्या होगा, समाहार। चाय वाय लाओ, चाय वाय में भी क्या आ गया, ग्रुप आ गया, ग्रुप आवाज आते ही समाहार द्वंद। देश विदेश, दोनों की इंपोर्टेंस है, देश और विदेश, क्या आएगा, इतरेतर द्वंद। पानवान, वापस वही, पानवान आदि, पानवान खाओ भाई, तो उसमें सुपारी भी आ गई, सब आ गया, ग्रुप आ गया, ग्रुप इज इक्वल टू समाहार द्वंद। उसके बाद है तन मन धन, देखिए दोस्तों ध्यान से, तन मन धन, अगर मैं ऐसे करूंगा, तन मन धन, तन मन धन, अगर मैं ऐसे करूंगा सामान्य तौर पर, तो ये अलग निकलेगा, तन मन धन आदि हो सकता है। उसके बाद मैं अगर बात करूं तन मन और धन, तो ये थोड़ा सा अलग हो गया, तो इसमें दो आंसर है, इतरेतर द्वंद भी है, समाहार द्वंद भी है। ठीक है, दोनों आप ध्यान रखना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर चलेगा। कैसे, तन मन धन आदि, मतलब सब दे दो, ग्रुप आ गया, और तन मन और धन, और दे दो, मतलब कि इतरेतर भी आ गया इसमें, और भी आ गया, तो दोनों ही चलेंगे इसमें। ठीक है दोस्तों, हानि या तो लाभ होना चाहिए या हानि होनी चाहिए, वैकल्पिक द्वंद, क्या आएगा, वैकल्पिक द्वंद। जीवन मरण, या तो जीवन चाहिए या मरेंगे अपन, दोनों में से एक चूज करना है, वैकल्पिक द्वंद समास। अयोध्या नंदन, अयोध्या है कि अयोध्या के है जो नंदन, अर्थात भगवान श्री राम, तो तीसरा अर्थ इज इक्वल टू बहुव्रीहि समास, तीसरा अर्थ पर्यायवाची शब्द इज इक्वल टू बहुव्रीहि समास। नंदन यानी क्या होता है, बेटा, और नंदिनी यानी बेटी, तो ये ध्यान रखना है, अयोध्या के हैं जो नंदन यानी बेटे। रेवती रमन, रेवती के साथ जो रमन करते हैं, अर्थात बलराम जी, रेवती के साथ जो करे रमन, वो है रेवती रमन, बलराम जी।
तो बहुव्रीहि समास दामोदर, परफेक्ट पहचान है दोस्तों बहुव्रीहि की, नाम आते ही बहुव्रीहि समास। दामोदर किसी का नाम है, किसका नाम है, भगवान श्री कृष्ण का नाम है, बहुव्रीहि समास। दाम है जिनके उदर में, जब वो छोटे थे तब उनकी माता जो है उनको उदर में रस्सी बांध देती थी ताकि वो कहीं भाग नहीं जाए, इसीलिए उनका नाम पड़ गया दामोदर। तो दाम यानी रस्सी है जिसके उदर में, अर्थात श्री कृष्ण। तो ये भी क्या बनेगा, बहुव्रीहि समास बनेगा। सिर दर्द, अगेन वेरी इंपोर्टेंट, सिर दर्द, सिर दर्द, सिर में दर्द, अधिकरण तत्पुरुष समास, कहां, सिर में। और अगर मैं विशेष की बात करूं, सिर में है जो दर्द, अर्थात एक विशेष दर्द, क्योंकि दर्द तो सब जगह हो रहा है पर विशेष रूप से कहां हो रहा है, सिर में हो रहा है, तो ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। तो ऑप्शन के ऊपर ये भी, सिर में दर्द अधिकरण, अधिकरण नहीं है तो फिर बहुव्रीहि समास, ये आप ध्यान रखिएगा वहां पर, ठीक है। लोहगढ़, लोहे से बना हुआ है जो गढ़, अर्थात एक विशेष किला, नाम है बहुव्रीहि समास है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है, नाम इज बहुव्रीहि समास। हुक्का पानी, वही बात कह रहे हैं हम, हुक्का पानी, केवल हुक्का नहीं, उसके साथ में बहुत सारी चीजें आ गई, तो हुक्का पानी आदि, आदि इज इक्वल टू समाहार, ग्रुप, ग्रुप इज इक्वल टू समाहार, द्वंद। लव कुश, दोनों इंपोर्टेंट है, दो है लव और कुश, इतरेतर द्वंद समास। नेक्स्ट, शोक सागर, तो सागर तो है ही है पर वो शोक से भरा हुआ है, मतलब मैं समुद्र को उपमा दे रहा हूं कि वो शोक का है, तो उपमा देना, आरोप लगाना इज इक्वल टू, आरोप लगाना इज इक्वल टू कर्मधारय समास, तो यहाँ पे शोक रूपी सागर, ठीक है, आरोप लगा रहा हूं, सागर तो सागर जैसे ही होते हैं, पर अपन सुख सागर कह दिया मान लो तो आरोप लगा रहा हूं मैं, दुख सागर कह दिया मान लो, शोक सागर कह दिया, तो ये सब क्या कर रहा हूं मैं, आरोप लगा रहा हूं, तो आरोप लगाना इज इक्वल टू कर्मधारय समास। खुशबू, बू यानी क्या होता है, जो भी है बू, तो खुश यानी अच्छी बदबू है, जो खुश यानी अच्छी, तो यहाँ पे बू की विशेषता बता रहा है, देखो आगे बद लग गया तो बन गया बदबू, बुरी बू, और खुश लग गया तो बन गया अच्छी बू, तो बू यानी जो अपन सूंघते हैं वो, ठीक है, तो ये कौन सा बनेगा, कर्मधारय समास बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, और कर्मधारय नहीं है दोस्तों तो ये अविभाव है, क्योंकि खुश एक उपसर्ग भी है, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बार बार मैं कह रहा हूँ, ध्यान रखना ऑप्शन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किराएदार, किराए का दार, दार यानी स्वामी, किराए का दार, किसका दार, किराए का दार, का के की संबंध, तत्पुरुष समास। सेनापति, पति तो है, किसका है, सेना का, तो सेना का पति, पति यानी क्या होता है, स्वामी, तो सेना का स्वामी, सेना का पति, पति यानी स्वामी, का के की, अगेन तत्पुरुष समास में संबंध तत्पुरुष। नरोत्तम, उत्तम तो है पर कहां है, नरो में, नरों में उत्तम, कहां पे उत्तम है, वो नरों में उत्तम है, इतने सारे नर बैठे हुए हैं उसमें, वहां पर वो उत्तम है, तो अधिकरण तत्पुरुष समास। करोड़पति, पति तो है, किसका पति है, करोड़ का पति है, तो करोड़ का पति इज इक्वल टू संबंध तत्पुरुष समास। जीवन साथी, साथी तो है, किसका है, जीवन का है, तो जीवन का साथी, तत्पुरुष समास संबंध। शल्य चिकित्सा, शल्य यानी क्या होता है दोस्तों, डॉक्टर, ठीक है, तो शल्य द्वारा चिकित्सा, शल्य जो शल्य के द्वारा चिकित्सा कराते हैं वो शल्य द्वारा, तो से आ रहा है, करण से द्वारा, करण से द्वारा, शल्य से चिकित्सा करो, ये भी सही है, शल्य द्वारा चिकित्सा, उसकी चिकित्सा शल्य द्वारा की गई, तो शल्य चिकित्सा, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। भूख मरा, भूख से है जो मरा, किससे मरा, भूख से, करण, कारण बता रहा है, रीजन, भूख से मरा वो, इसलिए करण तत्पुरुष समास। मारामारी, अगेन दोस्तों मारामारी, मारने के बाद मारना, दो शब्द एक जैसे आने पर अविभाव समास, उसने मुझे, उसने मारा, मैंने भी वापस मारा, मतलब मारामारी हो गई, मारने के बाद मारना इज इक्वल टू मारामारी, दो शब्द एक जैसे एक साथ अविभाव समास। आ जन्म, आ उपसर्ग, उपसर्ग आने पर अविभाव समास, जन्म तक, मैं आ जन्म जो भी है, ठीक है, ये काम जो भी काम करूंगा, आ जन्म पढ़ाऊंगा, तो जन्म तक पढ़ाऊंगा, जन्म भर पढ़ाऊंगा, जन्म पर्यंत पढ़ाऊंगा, तक इज इक्वल टू अविभाव समास, आ का अर्थ है यहाँ पे, ठीक है, तो आ मरण, मरने तक, गांधी जी कहते थे कि मैं आमरण अनशन करूंगा, मतलब जब तक मरूंगा नहीं तब तक अनशन करूंगा, तो आमरण, इसीलिए वो नाम पड़ गया आमरण। नालायक, जो लायक नहीं है, ना यानी क्या होता है, नहीं,
लायक, जो लायक ना हो उसको कहते हैं नालायक, तो उपसर्ग आ गया इज इक्वल टू अव्ययीभाव समास। नेक्स्ट भागम भाग, भागम भाग यानी क्या होता है, भागने के बाद भागना, पहले चोर भागा उसके बाद पुलिस भागेगी तो भागम भाग हो गई, मतलब कोई पहले भागेगा उसके बाद अपन भागेंगे तो ये हो गई भागम भाग। तो भागने के बाद भागना, दो एक जैसे शब्द इज इक्वल टू अव्ययीभाव समास। और लास्ट है दोस्तों गांव गांव, गांव गांव जैसे कि मैं बात करूं कि मैं गांव गांव घुमा, या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि मैं प्रत्येक गांव घुमा, तो बात तो एक ही है, प्रत्येक गांव गांव गांव, दो एक जैसे शब्द इज इक्वल टू अव्ययीभाव समास। और वापस मैं इसको कैसे आइडेंटिफाई करूंगा, क्योंकि मैं इस वाक्य को ऐसे भी लिख सकता हूं मैं गांव गांव घुमा, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं प्रत्येक गांव घुमा, तो इसका क्या हो जाएगा विग्रह, प्रत्येक गांव। ठीक है, टूटना क्या कहलाता है, विग्रह कहलाता है, जुड़ना क्या कहलाता है, समस्त पद कहलाता है। तो दोस्तों लास्ट में जाते हुए मेरा प्रमोशन, जरूर देखें इसको, मनोविज्ञान भी मैं लेकर आया हूँ अनअकैडमी पर, अपने तो यही है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उसको आगे से आगे बढ़ाएं, हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट हिंदी व्याकरण भी उस पर भी है, हमारे पर भी है, यहाँ पर भी है, वहां पे बहुत शानदार वीडियो है पीडीएफ में, हिंदी साहित्य जो हम हिंदी पढ़ा रहे हैं वो वहां पे है अनअकैडमी पर। मनीष कुमावत जो कि मेरा नाम है, कुमावत से पढ़े, और प्रोसेस है गूगल पर जाएं, अनअकैडमी टाइप करें, वहां पे ऐप आएगा, फेसबुक से उसको लिंक कर दें ताकि फटाफट से मुझे फॉलो कर सकते हैं आप, मनीष कुमावत टाइप करें, आप सबके लिए ही है इसलिए सपोर्ट जरूर करें, सहयोग की जरूरत है, हम जो आपका सहयोग ही हमारा हौसला है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो बना सके उसके लिए हमें सपोर्ट करें, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मीमांसा ऑनलाइन अकेडमी की तरफ से, थैंक यू।